बॉक्स ऑफिस पर पठान का बोलबाला, शाहरुख की फिल्म ने मचाया गदर। जानिए दूसरे दिन के सभी आंकड़े। रिपब्लिक डे की छुट्टी का पठान को फायदा मिला है। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के मुताबिक पठान के हिंदी वर्जन ने सेकेंड डे 70 करोड़ का कलेक्शन किया है। दो दिन में पठान की कमाई का आंकड़ा 127 करोड़ हो गया है। शुरुआती रुझान है कि पठान ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 235 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन किया है। इसे कहते हैं बॉक्स ऑफिस सुनामी। जी हाँ, आपने सही सुना, शाहरुख खान की पठान ने गदर मचा दिया है। मूवी की ताबड़तोड़ कमाई ने ट्रेड एनालिस्ट के दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दूसरे दिन भी पठान ने कमाई का नया रिकॉर्ड बनाया है। किंग खान की फिल्म दो दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस। पहले दिन इंडिया में 57 करोड़ की बम्पर ओपनिंग के बाद पठान का डंका दूसरे दिन भी बजा। रिपब्लिक डे की छुट्टी का पठान को भरपूर फायदा भी मिला। ट्रेंड एनालिस्ट रमेश बाला के मुताबिक पठान के हिंदी वर्जन ने दूसरे दिन गुरुवार को 70 करोड़ का कलेक्शन किया। दो दिन में पठान की कमाई का आंकड़ा 127 करोड़ हो गया। दूसरे दिन की कमाई में पठान ने KGF 2 को भी धूल चटा दी है। KGF 2 की हिंदी वर्जन ने सेकेंड डे में 47 करोड़ कमाए थे। अनुमान था पठान दूसरे दिन 60-65 करोड़ तक का कलेक्शन करेगी, पर इन सभी उम्मीदों से आगे निकलते हुए पठान ने साबित कर दिया है कि वो थमने वाली नहीं है। पठान हर दिन इतिहास रच रही है। रमेश बाला ने ट्वीट कर बताया कि पठान ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 235 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन किया है। महज दो दिन में पठान की इतनी तगड़ी कमाई बताती है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए कीर्तिमान रचने वाली है। पठान का डंका देश विदेश में बज रहा है। शाहरुख खान का फैंडम लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। किंग खान के लिए लोगों की दीवानगी ऐसी है कि सरहद पार पाकिस्तानी सेलेब्स पठान के लिए क्रेजी दिखते हैं। कश्मीर में पिछले 32 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। घाटी के सिनेमा घरों की भीड़ चांदी चांदी हो रही है। 32 सालों बाद सिर्फ और सिर्फ किंग खान की वजह से कश्मीर के थिएटर्स के बाहर हाउसफुल का बोर्ड लग पाया है। पूरा देश में पठान की आंधी चल रही है। पठान से शाहरुख खान ने 4 सालों बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की है। पठान में ग्लैमर, एक्शन, थ्रिल, सस्पेंस, सभी वो ड्रामा मौजूद है जो इसके बॉक्स ऑफिस पर हिट होने की गारंटी देता है। कुल मिलाकर कहें तो बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख की बादशाहत का डंका एक बार फिर बजा है। पठान ने बॉलीवुड को ऑक्सीजन दिया है। पोस्ट पेंडेमिक पठान पहली बॉलीवुड मूवी है जिसकी कमाई ने सभी पुराने रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करा है। पठान ने न सिर्फ शाहरुख बल्कि जॉन इब्राहिम और दीपिका पादुकोण के करियर में भी 4 चांद लगा दिए हैं। देखना होगा 5 दिनों का पठान का ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन कहां जाकर थमता है, पर इतना तय है पठान का ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन बॉलीवुड इंडस्ट्री का बार हाई ही करेगा। कई नए बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स बनने और टूटने वाले हैं क्योंकि पठान का जोश हाई है। तो आपकी क्या राय है इस खबर पर, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।